वेलकम टू सचिन पार्कर व्लॉग्स। तो ये हमारा पहला व्लॉग है और इंस्टाग्राम में जितने भी मेरे फॉलोअर्स है उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सचिन भाई आप व्लॉग बनाना चालू करो, व्लॉग शूट करो ऐसा, क्योंकि वो बोल रहे कि आपके पास इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट है और गुजरात में ऐसा कोई है नहीं कि जो ऐसे व्लॉग करता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, अच्छा सा कुछ बना दे, लोगों को दिखाते हैं कि क्या हमारे पास कैसा कैसा क्या है, क्या करते हैं हम लोग। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है सचिन पार्कर एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। मेरा सुपरकास्ट प्रियोन और न्यू सुपरकास्ट का बिजनेस है मुंबई में, अहमदाबाद में और दुबई में। तो हम लोग आपको अभी दिखाएंगे हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारे पास है। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते जाइए कि हम आज क्या करने वाले हैं। और एवरी वीक हम व्लॉग शूट करेंगे और अपलोड भी करेंगे। तो आप देखो आपके फ्रेंड्स को, जिनको कार्स में इंटरेस्ट है ज़्यादा, जिनको कुछ अलग अलग देखना है, तो उनके साथ भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली गाइस आज हम लेके निकले हैं पोर्श करेरा 4 जो मेरी ऑरेंज वाली है वो, और हम लोग हैं अभी अहमदाबाद रिंग रोड पे और जा रहे हैं गांधीनगर मोका। और सचिन भाई, हाँ मैं भाई। सोच रहा था कि हाँ। ये जो आपकी कार है ये पोर्श करेरा 4, ये करेरा 4 जो है वो मैंने बहुत कम नाम सुना है, मतलब ये करेरा एस सुना हुआ है। हाँ। ये सब है, तो मतलब करेरा 4 का क्या मीनिंग है? एक्चुअली क्या है भाई, पोर्श 911 में करेरा जो आती है उसमें तीन वर्जन आते हैं, पोर्श करेरा, पोर्श करेरा 4, पोर्श करेरा 4S और एक भी वर्जन आता है पोर्श करेरा S। S इज टर्बो ओनली, जो करेरा है वो नॉन टर्बो है। मेरी जो करेरा 4 है वो ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव करेरा इज वेरी रेयर भाई, वेरी रेयर, ओनली 10-12 कार्स इन इंडिया। पूरे गुजरात में एक भी गाड़ी नहीं है, पूरे राजस्थान में एक गाड़ी नहीं है, पूरे MP में भी एक पोर्श करेरा 4 नहीं है। 4 इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। 4S ज्यादा है, 4S जो हो गए ना वो टर्बो वाली है, तो उसमें थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा लेता है। हाँ, फील अलग आता है, थोड़ा उसका साउंड अलग है, बट मुझे ये गाड़ी ज्यादा रिलायबल लग रही है। मैं ये गाड़ी शायद मैंने 10,000 किलोमीटर ड्राइव किया, मैं यहाँ से दिल्ली गया, मैं यहाँ से मुंबई गया, मैं यहाँ से लोनावाला तक भी गया, ना ही कहीं गाड़ी ने मुझे, कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, ना ही गाड़ी कहीं टच हुई, ना ही गाड़ी में अपन नहीं, थोड़े सुपर कार स्पोर्ट्स कार में क्या होता है कि अपन 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे ना तो अपन थक जाते भाई। पर ये गाड़ी अब नॉन स्टॉप, मैंने ये गाड़ी नॉन स्टॉप 1100 किलोमीटर नॉन स्टॉप कहीं रेस्ट लिए बिना मैंने चलाई। हाँ भाई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतना दूर दिल्ली से अहमदाबाद नॉन स्टॉप आ गया भाई। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं चलता भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है, ना ही कोई भाई कोई मेंटेनेंस जैसे कोई बात ही नहीं है। मेरे तो गाड़ी लेके भाई कुछ नहीं करवाया, सच बोलूं भाई कुछ नहीं करवाया, मैंने सिर्फ टायर डाले भाई, वो भी अच्छे थे बट वो थोड़े कम चली थी ना गाड़ी, तो थोड़े हार्ड हो गए थे भाई, तो थोड़ा फील नहीं आ रहा था, टायर डाल दिए। और मेरा एग्जॉस्ट का है मुंबई में मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट करके, अपन खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इंडिया की टॉप 10 कार जो है ना उसमें से तीन गाड़ी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ बट तीन गाड़ी ऐसी होगी ना जिसका एग्जॉस्ट लाउडेस्ट इंडिया की, तीन इंडिया की 10 जो गाड़ी है लाउडेस्ट उसमें से तीन गाड़ी का एग्जॉस्ट हम लोगों ने ही बनाया होगा। क्या बात कर रहे हैं। यस, इसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू सलमान भाई एंड वक्कास भाई, वो मुंबई में है, अपने भाई है, तो सलमान भाई ये पूरा मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सलमान भाई चलाते हैं। वैसे तो अपने पास जो जो कलेक्शन है अपना खुद का, वो अपन आगे दूसरे जो जब व्लॉग शूट करेंगे ना भाई, तब अपन बताएंगे कि अपने पास क्या क्या है। और एक सरप्राइज आ रहा है बहुत जोरदार, जो इंडिया में, हाँ इंडिया में एक भी नहीं है। वैसी गाड़ियां बहुत सारी है पर जो मेरी गाड़ी जो आने वाली है ना वो इंडिया में एक भी नहीं है, वो लिमिटेड एडिशन है, वेरी रेयर, ओनली 100-200 कार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने देखी है, क्या ही सेक्सी लगती है वो कार। बट वो अभी सरप्राइज है, अभी अपन ने वो रखा नहीं है, बहुत जल्दी ही अपन दिखाएंगे लोगों को, रिवील करेंगे। यस यस यस, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और
अभी ये वीडियो को हम अभी यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, मोका जाने के बाद वहाँ थोड़ी कॉफी शॉप भी पीते हैं, वहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाते हैं और फिर वापस रिटर्न में आपको वापस वीडियो दिखाएंगे अच्छा सा। हम लोग मोका में जूस पी के आए हैं, जो हमारी गाड़ी है और ये इंफो सिटी क्लब है। देखो आइए गाड़ी दिखा देते हैं, वो मोका कैफे है। वेरी पीसफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप गांधीनगर अहमदाबाद के आसपास से हो तो प्लीज़ यहाँ मस्ट विजिट कीजिए। और ये अपने लिस्ट कमेंट कीजिए कैसी है, कैसी लगी आपको, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना। और बताइए जो कलर है लावा ऑरेंज जो भी है, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस कार पे, एकदम स्पोर्टी लुक तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्लीन है एक्चुअली, एक वीक से घर पे पड़ी थी ना तो अपन ने क्लीन करा ही नहीं है गाड़ी। अच्छा तो अभी चल रहा है, वैसे भी अच्छी लग रही है, कुछ वो मतलब नहीं है करने का। और ये इंस्टा आई डी, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर नहीं कर रहे ऑलरेडी। सचिन पार्कर, सचिन अंडरस्कोर पार्कर। और ठीक है तो अपन निकलते हैं अहमदाबाद साइड, थोड़ा बातें साथे करते हैं बीच में। और सब्सक्राइब करना मत भूले यार, और लाइक भी करिए। आइए धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा वीडियो इतना एंड तक देखा। और अभी तो हम जा रहे हैं अहमदाबाद गांधीनगर से, ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए कोई ऐसा ड्राइव कर नहीं सकते वैसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर ये वीडियो, अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो मिस ना हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो एक्सट्रीम आएगा, एक्सट्रीम किसी ने कभी सोचा नहीं होगा ना वैसा आएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी बात, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए व्हाट्सएप में या इंस्टा में या कहीं पे भी, तो आपके सपोर्ट से ही हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आगे भी जाके क्रिएट कर पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको दिखा पाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू सुपर सून, मिलते हैं।